पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। आरती जय जगदीश हरे एकादशी श्री खाटू श्याम जी आरती श्री कृष्ण भजन धुराष्टकम अधरम मधुरम वदन मधुरण विशेष श्री राम स्तुति श्री सत्यनारायण कथा सुदर्शन रूप में भक्त की प्रेत से रक्षा सत्य कथा श्री राम चालीसा द्वारका गुजरात के विश्व विख्यात मंदिर पितृपक्ष। जितिया व्रत की दूसरी कथा। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। कथा जितिया व्रत। कथा जितिया कथा अश्विन कृष्णा अष्टमी कथा अश्विन कृष्णा कथा अश्विन मास कथा जीवित पुत्रिका व्रत कथा ज्योतिया व्रत कथा जीवित पुत्रिका कथा।